महिला दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में करीब 1,00,000 से ऊपर महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में गया जिले कोरोना का टीका लगाने के लिए कई जगहों पर टीका केंद्र बनाया गया है, जिसमें करीब 15,000 से 20,000 महिलाओं को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। शहर के रेड क्रॉस में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचकर कोरोना वैक्सीनेशन ले रही हैं। महिलाओं ने कहा कि जो टीका को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी वह बिल्कुल गलत है। हमने भी आज कोरोना का टीका लिया है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। डोज लगने के बाद कुछ मैम कुछ किसी तरह से किसी तरह की परेशानी किसी तरह का दिक्कत बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे मैम? अच्छा है, बिना मतलब का अफवाह है कि सुई लेने से ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, हम लोग तो सेकेंड डोज लिए, हम लोगों को किसी तरह का दिक्कत। तो बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? आके टीका लगाएं, आके सभी निर्भीक होकर टीका लगवाएं, किसी तरह का डरने की जरूरत नहीं है। जी अपना परिचय मैम। मेरा नाम अर्चना वर्मा। दूसरा डोज है, पहला डोज है? दूसरा डोज है, हाँ पहला डोज लगवा लिए तो बहुत अच्छा रहा। दूसरा डोज है, क्षेत्र के सभी 60 साल के महिला के भी प्रेरित किए हैं कि कोरोना का वैक्सीन अवश्य दीजिए। महिला दिवस पे क्या बोलेंगे आज आप? महिला दिवस महिला को प्रेरित किए हैं, कोरोना से घबराइए नहीं, इसका इंजेक्शन है ले लीजिए, कुछ डर भी नहीं। आपका परिचय? आशा कुमार।